हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस ने लूट गिरोह का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह ऑटो में सवारियों को बिठाकर उनके साथ लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। मामला चिनहट थाना क्षेत्र का है, जहां ऑटो चालक ने सवारी बिठाने के बहाने युवक को असले के बल पर लूट लिया था, साथ ही उसके साथ मारपीट की गई थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, जिसके बाद सारा खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी के ऑटो के जरिए उसकी पहचान की, जिसके आधार पर पुलिस लुटेरों तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया। दरअसल ऑटो के ऊपर मूछ बनी हुई थी, जिसके जरिए पुलिस उन तक पहुंच गई। पकड़े गए लुटेरों के पास से पुलिस ने लूटा हुआ मोबाइल, सोने की अंगूठी और 680 रुपए कैश बरामद किया है। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह के नेतृत्व में काम कर रही क्राइम टीम समेत 3 टीमों ने इस मामले की जांच पड़ताल की थी, जिसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ। लखनऊ से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। पुलिस इन लुटेरों को कैसे ट्रेस की है, तो जिसके लूट हुई थी, कैसे इन लोगों ने लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया था? ये दिनांक 10 अगस्त 2024 को वो थाना चिन्हट पर एक सूचना दी गई थी कि ये शोहित सिंह हैं। इनके द्वारा बताया गया था कि एक ये ऑटो में इन्हें बैठा कर 4 लोगों द्वारा इनके साथ लूटपाट की घटना कारित कर दी। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट पर 170 धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना का सफल अनावरण के लिए 3 टीमें, जिसमें पूर्वी जोन की क्राइम टीम भी थी, लगाकर घटना का सफल अनावरण के प्रयास जारी किए गए। इसमें हमारे द्वारा कई सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस डाटा भी कलेक्ट किया गया। इस क्रम में आज 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी गई है, जिनके नाम क्रमशः रवि गुप्ता पुत्र शिव प्रसाद निवासी गठवा थाना अतरौली जिला हरदोई है, विकास और बउआ निवासी चिन्हट लखनऊ, बोलू पुत्र राम लखन निवासी थाना चिन्हट लखनऊ और राजन पुत्र तरुण कुमार निवासी थाना चिन्हट लखनऊ। इनसे पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने एक अपने ऑटो रिक्शा से ये जा रहे थे लूट की वारदात करने के लिए ही, और जब इन्हें शोहित सिंह रास्ते में देखे तो इन्होंने उसको सवारी के तौर पर बैठा लिया और फिर सुनसान में राष्ट्रीय उद्योग आश्रम इंटर कॉलेज चिन्हट में ले जाकर उनके साथ लूटपाट की घटना कारित कर दी गई। इसमें पुलिस द्वारा घटना में लूटा गया मोबाइल फोन, 1 अदर अंगूठी पीली धातु की और 680 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो अपराधी हैं, इनके अगर बात की जाए, आपराधिक इतिहास भी इनका अच्छा खासा है और ये ऑटो से जो लूटपाट कर रहे थे, क्या अभी तक किसने और व्यापार जो सवारी थी उनसे सवारी से तक लूट की है? अभी इस क्रम में पूछताछ में इनके द्वारा अभी ऐसा कुछ बताया गया नहीं है। जैसा मैंने बोला, अभी विवेचना जारी है, विवेचना में अभी और डाटा कलेक्ट किया जाएगा। यदि ऐसा किसी और घटना का अनावरण होगा या किसी और घटना का ऐसा संज्ञान आएगा तो उस हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। चारों लोगों का आपस में कनेक्शन क्या रहा है, कैसे चारों लोग एक साथ रह के काम कर रहे हैं? ये सब मित्र हैं, पहले से एक दूसरे को जानते हैं और ऐसे घटना कारित करते रहते हैं छोटी छोटी, जैसा कि इनका अपराधी हाँ। इसमें जो बोलू उर्फ मनीष यादव है, इसके 7 मुकदमे हैं अलग अलग जनपदों में। अभियुक्त रजत कुमार पे 1 मुकदमा है, विकास यादव पे 3 मुकदमे हैं और रवि गुप्ता पे 2 मुकदमे हैं। इस गिरोह पर क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें हम लोग विवेचना खत्म करके उनके गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। लूट की घटना सर इस तरीके कोई पहले भी? अभी इस तरह की और कोई घटना इनके द्वारा नहीं कबूली गई है, जैसा होगा आगे बताया जाएगा। सर, इसमें 4 लोग हैं, चारों लोगों में मास्टरमाइंड कौन रहा है, क्योंकि आपराधिक इतिहास एक का बड़ा है गोलू का। इसमें गोलू ही है, यही मास्टरमाइंड है, यही प्लानिंग करके पूरा लाया था और इसी का आइडिया था कि इस तरह की लूट करके हम लोग निकल जाएंगे आगे, लेकिन सीसीटीवी फुटेजेस में आके फंस गए। इनका ऑटो जो था उसमें एक बड़ी अच्छी पहचान मिल गई थी हमें कि ऑटो में मूछ बनी हुई थी, तो नंबर प्लेट तो हमें इन्होंने छुपा रखा था, लेकिन मूछ का हम लोग सहारा पीछा करते करते इन तक पहुंच गए। लूट के दौरान जो उससे सवारी बैठी थी उसको पीटने का क्या रीजन रहा इन लोगों का? आखिर पढ़ाई के दौरान लूट की नहीं, वो तो इन्हें लूटपाट करनी थी, इसलिए लूटपाट में उस पर प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए उसके साथ इन्होंने मारपीट करी थी ताकि वो अपना सामान लेते। वादी ने सर ये भी मेंशन किया था कि असला लेकर के उसको लूटपाट उसके साथ की है, तो असला रिकवर हुआ? नहीं, असलहे वाली चीज अभी प्रमाणित नहीं हो पाई है। अगर ऐसे ऐसा होगा तो उसको हम लोग अभी और जांच कराएंगे और जैसा होगा आगे कार्रवाई करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।